नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और कमाल की वीडियो में। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेकर आया हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी फ़ोटो का एक अच्छा खासा स्टेटस वीडियो तैयार कर सकते हो। जैसे कि देख सकते हो, मैंने उसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके बनाया है। ज़्यादा लंबा स्टेटस वीडियो मैंने नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ 4 सेकेंड का बनाया है। आप चाहो तो यहाँ पर 10 सेकेंड का, 20 सेकंड का, 1 मिनट का, 4 मिनट का, जितना मर्जी बड़ा उतना बड़ा स्टेटस वीडियो बना सकते हो। जितनी ज़्यादा फ़ोटो उसमें डालोगे उतना बड़ा स्टेटस वीडियो बन जाएगा। ये एप्लीकेशन की खास बात यह है कि इस एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा कुछ एडिटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे इफ़ेक्ट ये एप्लीकेशन खुद लगा करके अच्छे तरीके से दे देता है। तो ऐसे में अगर आपको स्टेटस वीडियो बनाना है अपनी फ़ोटो का इस्तेमाल करके, वो भी गाने के साथ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और ये सब्सक्राइब वाला बटन को दबा लेना है और इस घंटे को दबा के ऑल पे जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। और यहाँ पर जो है कमेंट बॉक्स में जाना है और यहाँ पर जो है आप प्यारा सा कमेंट लिख सकते हो, नाइस एप्लीकेशन, अवेसम वीडियो, बेस्ट एप्लीकेशन, नाइस ट्रिक, कुछ भी जो आपको पसंद आता है वो आपको यहाँ पर जरूर से कमेंट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर नाइस वीडियो लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने नाइस लिखा और यहाँ पर जो है वीडियो लिख करके मैं इसको सेंड कर देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप आसानी से जो इसको डाउनलोड कर पाओगे, या फिर अगर आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करना चाहो तो इस एप्लीकेशन का नाम लोवी है, आप प्ले स्टोर पर भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपको सामने यहाँ पर ओपन करोगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे, एक चूज इमेज का, एक क्रिएट स्लाइड शो। तो यहाँ पर जो है आपको क्रिएट स्लाइड शो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हो तो आपके फ़ोन के सारे फ़ोटोज़ आपको दिख जाएंगे। आपको जो है उन फ़ोटोज़ को सेलेक्ट करना है जिनसे आप अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो। तो यहाँ से मैं कुछ फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने 4 से 5 फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर लिया है, आपको भी इसी तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको ऊपर एक राइट का सिंबल मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद एक छोटी सी ऐड आती है, ऐड के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जितने भी आपने फ़ोटोज़ को सेलेक्ट किया होगा कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको एक क्रॉप, ये जो पेंसिल का बटन मिलता है इस पर क्लिक करके आप फ़ोटो को क्रॉप वगैरह कर सकते हो। क्रॉप करना चाहो तो इस तरीके से आपको इस तरीके से क्रॉप कर देना है, ऊपर एक राइट का सिंबल है, इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, फिर ये फ़ोटो इस तरीके से आ जाएगी। आप चाहो तो इन सभी को भी बारी बारी से इस पर क्लिक करना है, इस तरीके से क्रॉप बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो है इस तरीके से क्रॉप करने के बाद यहाँ पर एक राइट का सिंबल मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोबारा से राइट कर देना है। इसी तरीके से आप इसको भी चाहो तो क्रॉप कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करना है, नीचे क्रॉप का बटन है इस पर क्लिक करना है और इस तरीके से फुल फ़ोटोज़ को ले लेना है, ऊपर एक राइट का सिंबल मिल जाएगा। इसी तरीके से सभी फ़ोटोज़ को आपको क्रॉप कर लेना है। आप चाहो तो इस डिलीट बटन पर क्लिक करके इनमें से कोई भी फ़ोटो को हटा भी सकते हो। इसके बाद आपको जो है ऊपर राइट का सिंबल मिलता है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आपकी स्टेटस वीडियो जो इस तरीके से बन करके आ जाता है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो 11 सेकंड का बना है। नीचे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे म्यूजिक का, यहाँ पर इफेक्ट का, ट्रांसमिशन का, फिल्टर का, बहुत सारे मिलेंगे। तो आप यहाँ पर ट्रांसमिशन भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके का आएगा, देख सकते हो अलग अलग स्लाइड जो है बदल बदल के आएगी इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है इफ़ेक्ट पर क्लिक करके आप यहां से डायरेक्ट कुछ इस तरीके के इफ़ेक्ट भी ऐड कर सकते हो, देख सकते हो कुछ इस तरीके के इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो यहां पर और भी इफ़ेक्ट हैं, तो हम कोई और इफ़ेक्ट, ये काफ़ी बेस्ट लग रहा है तो हम इसी को ही ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहां पर कट का बटन, इस पर कट कर देना है, इफ़ेक्ट ऐड हो चुका है। इसके बाद जो आपको यहां से म्यूज़िक को ले लेना है, आपको अपने फ़ोन से इस तरीके से म्यूज़िक पर क्लिक करना है और यहां से सेलेक्ट म्यूज़िक पर क्लिक करके अपनी फ़ोन गैलरी से जो है कोई भी म्यूज़िक को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, इस तरीके से यूज़ कर लेना है। देख सकते हो अभी म्यूज़िक भी चलने लगा है, मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। म्यूज़िक हालांकि इस पे चल रहा है, मैंने वॉल्यूम को कम कर रखा है। अभी आपका जो स्टेटस वीडियो बन करके तैयार हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ से स्लाइड को बंद भी कर सकते हो, ठीक है। ऑटोमेटिकली स्लाइड बंद कर दोगे तो कुछ इस तरीके से आएगी। और यहाँ पर देख सकते हो फिल्टर भी, अगर आप चाहो तो अलग अलग फिल्टराइज भी कर सकते हो, ये देख सकते हो काफ़ी बेस्ट लग रहा है, ठीक है। इस तरीके से अपने स्टेटस वीडियो को फिल्टराइज भी कर सकते हो। यहाँ से स्पीड भी उसकी बढ़ा सकते हो, कितना स्पीड होना चाहिए यहाँ पे कर दोगे तो काफ़ी तेज़ी स्पीड हो जाएगी, और ज़्यादा कम कर दोगे तो काफ़ी कम स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, हाँ इतना बहुत है।
इसके बाद हमारी जो है स्पीड पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चाहो तो आप इस पे चेंज इमेज पे क्लिक करके इन फोटोज़ को चेंज भी कर सकती हो। अगर ये लग जाए कि आपको आपकी फोटो जो है स्टेटस वीडियो बन करके तैयार हो चुका है तो आपको ऊपर एक सेव का बटन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद ये जो है एक ऐड देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर जो है सेविंग मतलब सेविंग लिखवा रहा है, अगर परसेंटेज चल रहा है, जैसे ही 100% हो जाता है तो ये आपके जो है फ़ोन में जा करके सेव हो जाएगा और आप इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकती हो। अभी जा करके आपके फ़ोन गैलरी में जा करके सेव हो चुका है और आप अब इसको कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।